तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं डार्क वेब गेमर के बारे में। तो गाइस मेरे कमेंट में बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं कि क्या डार्क वेब गेमर मैट्रिक्स है या फिर क्या वो लैपटॉप एमबी बैक ज्वाइन कर रहे हैं। इन सारे क्वेश्चन का जवाब मैं इसी वीडियो में देने वाला हूँ, तो पूरी वीडियो जरूर से देखना। तो गाइस हमारा पहला क्वेश्चन है कि क्या डार्क वेब गेमर ने लैपटॉप एमबी लीव कर दिया है। तो यार उन्हें लीव करे हुए 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। लोग सोचते हैं कि डार्क वेब गेमर रिवाइव हो गए, लेकिन वो ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे वापस, वो गेम में क्यों नहीं आ रहे। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर है यस, उन्होंने लैपटॉप एमबी लीव कर दिया है। आई नो अभी बहुत ही सारे लोग दुखी हो गए होंगे क्योंकि उन्होंने लैपटॉप एमबी लीव कर दिया है, बट वाई उन्होंने लैपटॉप एमबी लीव क्यों की, लाइक उसके कुछ रीजंस है। सो उन सारे रीजंस को डिस्कस करते हैं। रीजन नंबर 1, तो डार्क वेब भी एक स्टूडेंट है और उनको भी अपनी स्टडीज में फोकस करना होता है, इसलिए वो एसएमपी को अच्छा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड नहीं कर पाते। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद डार्क भाई कह रहे हैं। तो एसएमपी को जो कंटेंट चाहिए था वो मैं प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था। तो गाइस यहाँ पर डार्क भाई ने बोला कि वो अच्छा कंटेंट प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे एसएमपी को, इसलिए उनको लीव करना पड़ गया। लेकिन यहाँ पर कमेंट में आप ही बताओ कि क्या डार्क भाई अच्छा वीडियो बनाते थे लैपटॉप एसएमपी में, हाँ कि नहीं। रीजन नंबर 2, तो गाइस जब डार्क वेब लैपटॉप एसएमपी में थे उनको एक और एसएमपी से इनविटेशन आया था जो कि थी एरर एसएमपी, जिसको अर्थ एरर ऑन करते हैं। तो उस टाइम आई थिंक डार्क वेब गेमर को यही सही लगा होगा कि वो एरर एसएमपी ज्वाइन कर ले, और उनके पास कोई ज़्यादा चॉइस थी ही नहीं, तो इसलिए उन्होंने वो डेयर वाली स्ट्रीम की थी ताकि वो लैपटॉप एसएमपी से बैन हो जाए। सो हाँ उसके बाद वो लैपटॉप एसएमपी लेफ्ट कर देते हैं एंड देन वो बहुत ही दिनों तक एरर एसएमपी में रहते हैं, उसकी वीडियो डालते हैं। लेकिन ऑलमोस्ट 1 महीने बाद अर्थ एरर और डार्क वेब गेमर के बीच में एक कॉन्ट्रोवर्सी हो जाती है। तो मैं अच्छे से बताता हूँ कि असल में वहाँ पर हुआ क्या था। तो असल में अर्थ एरर ने डार्क वेब की इन्वेंटरी क्लियर कर दी थी क्योंकि उन्होंने कुछ रूल्स ब्रेक किए थे, लेकिन डार्क वेब का ये कहना था कि जब अर्थ एरर ने रूल्स ब्रेक किए उसकी इन्वेंटरी क्लियर नहीं हुई बल्कि डार्क वेब की हो गई। अभी तक तो हमें बस यही बताया गया है, लेकिन हो सकता है कि कोई और रीज़न हो जिसकी वजह से डार्क वेब ने एरर एसएमपी भी लीव कर दी। तो बस उसी के कुछ दिन बाद उन्होंने अपनी एक एसएमपी शुरू कर दी जिसका नाम था इलाइट एसएमपी। तो उसमें उन्होंने बहुत ही सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स को इन्वाइट किया लाइक स्पंकी, अनबाउंड स्काई, स्टील विंग्स, पोटू 66। तो हाँ गाइस अभी डार्क वेब गेमर आपको लैपटॉप एसएमपी में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि उन्होंने पूरी की पूरी लेफ्ट कर दी, 100% कन्फर्म हो चुका है हमको, एंड अभी आप उनकी बस इलाइट एसएमपी की वीडियो ही देख सकते हो। तो गाइस अभी हम बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो क्या डार्क वेब गेमर मैट्रिक्स हो सकते हैं? तो इसका सिंपल सा शॉर्ट आंसर है नो। अभी डार्क वेब ने कम्प्लीटली लैपटॉप एसएमपी लीव कर दिया है तो वो बिल्कुल भी मैट्रिक्स नहीं हो सकते, और वो उन्होंने खुद कहा है। आपको एक छोटी सी क्लिप प्ले करके दिखा दी। यू आर, हाँ यही जो स्क्रीन पे लिखा है। तो भाई मेरी शक्ल देखो, मैं लगता हो गया नहीं ना, मैं नहीं हूँ। सो हाँ यहाँ पर मैट्रिक्स डार्क वेब गेमर बिल्कुल भी नहीं है, उन्होंने खुद कहा है। तो बस हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इफ अगर डार्क वेब दोबारा से लैपटॉप एसएमपी ज्वाइन कर ले तो क्या होगा? तो अगर ऐसा होगा तो लैपटॉप एसएमपी फैंस बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि कोई भी डार्क भाई को हिट करता था, एंड मोस्ट प्रोबेबली डार्क वेब गेमर सेनपाई की टीम में होगा क्योंकि लास्ट बार उनको नेक्स्ट गेम से बिट्रे मिल गया था। एंड अगले वीडियो में जो भी आपके लैपटॉप एसएमपी से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको मैं क्लियर करने वाला हूँ। सो मेरे को क्वेश्चन डिस्कॉर्ड सर्वर मेरे या फिर मेरी कम्युनिटी पोस्ट में दे देना। तो जो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया वो मेरे ओपिनियंस नहीं थे, वो सब डार्क भाई ने ही कहा है। वो जिस वीडियो में उन्होंने कहा है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसे भी देख लेना जरूर से। एंड गाइस अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर से कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर अमेजिंग वीडियोज। एंड दिस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।